नमस्कार दोस्तों, जिला में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि एक्स पार्टी ऑर्डर के बाद मुकदमे में क्या होता है, एक्स पार्टी ऑर्डर होने के बाद कोर्ट कितनी तारीखें लगाता है मुकदमा ख़त्म करने में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि भाई मेरा मुकदमा चल रहा है, वो एक्स पार्टी हो गया, वो कितने दिन में ख़त्म होगा, हमें कोर्ट में क्या क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ एक्स पार्टी एक तरफा होता क्या है। जब भी कोई नया मुकदमा दायर होता है, जिसके खिलाफ मुकदमा दायर होता है, कोर्ट उनको नोटिस भेजता है समन की फॉर्म में। और जब कोर्ट का समन मिलने के बाद भी, कोर्ट के मुकदमे की इतला होने के बाद भी, जो उत्तरवादी है, जो रिस्पोंडेंट है, वो कोर्ट में पेश नहीं होता है, तो कोर्ट उसको एक्स पार्टी कर देता है, यानी एक तरफा कर देता है। एक तरफा करने का मतलब ये है कि कोर्ट में उत्तरवादी का जवाब फाइल करने का हक और गवाही देने का हक जो है वो ख़त्म हो गया। तो ऐसे में क्या होगा कि जो वादी है, सिर्फ वादी की ही गवाही कोर्ट लेगा, और वादी कोर्ट से जो मांग रहा है, चाहे वो कोई स्टे का मुकदमा है, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा है, कोई रिकवरी का दावा है, या कोई तलाक का मुकदमा है, या कोई खर्चे का मुकदमा है, तो इस प्रकार से जो भी मुकदमा वादी ने डाला है, पिटिशनर ने डाला है, तो उस मुकदमे को वादी को साबित करना है, और कोर्ट सिर्फ वादी की गवाही से ये देख लेगा कि भाई क्या वो रिलीफ जो वादी मांग रहा है वो बनता है कि नहीं बनता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि भाई जब गवाही बंद हो जाती है तो उसके बाद कोर्ट उसका फैसला कर देता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब भी कोई एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है, एक्स पार्टी आदेश पारित होने के बाद अगर कोई वादी या रिस्पोंडेंट कोई कंटेस्टिंग नहीं बचा है, तो सीधा गवाही की तारीख लगेगी, गवाही के बाद कंसिडरेशन यानी आर्ग्यूमेंट की डेट लग जाएगी। और अगर मुकदमा कंटेस्ट होता है तो फिर वही तरीका रहेगा जो हमने वीडियो बनाई हुई है कि भाई दीवाने मुकदमे में क्या क्या स्टेज होती हैं, जैसे जवाब की, रेप्लिकेशन, इश्यूज़, गवाही और उसके बाद बहस। तो इस वीडियो में आपने जाना कि भाई एक्स पार्टी होने के बाद कितनी तारीखें लगती हैं, तारीखें क्या, गवाही और बहस, और क्या क्या होता है, गवाही होती है और बहस हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।